सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम जीवन में सफल होने के सूत्रों को रोज सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी ये कामना होती है कि वट एवर वी डू वी शुड सक्सीड इन आवर एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स सक्सीड होने चाहिए, हमारा अभीष्ट जो है, हमारी मंजिल जो है, वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि जैसा लक्ष्य रखोगे वैसे लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमें लक्ष्य भी श्रेष्ठ रखना है, ऊंचा लक्ष्य रखना है, तभी जीवन जो है सफल होगा। जीवन से जितना दुखों की निवृत्ति होगी, जितना जीवन में आनंद खुशी के फूल खिलेंगे, उतना जीवन सफल है। ये नहीं कह सकते कि धन दौलत बहुत आ जाएगा तो हम सफल जीवन माना जाएगा। धन से हम कंफर्ट्स खरीद सकते हैं, कंफर्ट के साधन खरीद सकते हैं, लेकिन कई बार उन साधनों के ऊपर भी इंसान को, आपके पास डनलप के पिल्लो हैं, गद्दे हैं, लेकिन नींद आए जरूरी नहीं है। अगर आपका मन टेंस है तो आप धन से सब चीजें खरीद सकते हैं, पुस्तकें खरीद सकते हैं, विजडम नहीं खरीद सकते, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग जो करनी है वो तो अध्यात्म के द्वारा, वैल्यूज के द्वारा ही होगी। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सफल जीवन है क्या, तो उसके हम सूत्र रोज उसको मनन चिंतन कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आज भी करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करते हैं रोज की तरह। हम जो है एक कारवां चल रहा है हमारा, परमात्मा की तरफ जा रहा है, रूहानी कारवां, स्पिरिचुअल कारवां है ये। हम सब अपने प्रभु पिता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो दूरियां बढ़ गई थी उन दूरियों को नजदीकियों में बदल रहे हैं, प्रभु के निकट जा रहे हैं। तो चलो सभी चलते हैं, अपने आप में लौटते हैं पहले, अब लौट चलें। बाह्य दुनिया की सैर बहुत हो गई, इंद्रियों के जगत की सैर बहुत हो गई, अभी हमें अतींद्रिय में जाना है, सुपर सेंसुअस में जाना है, एक्स्ट्रा सेंसरी जो है वहां जाना है। तो अपने स्वरूप में हम आए, हमें पता है इस बात का कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर नाशवान है, उस भाव को हम रोज पक्का करते हैं, क्योंकि देह अभिमान की हमें आदत है। हम सचमुच में समझते हैं जो नाम मुझे मिल गया यही मेरा नाम है। नाम तो काम चलाने के लिए है, काम चलाओ सरकार है। नाम मेरा अवतार की बजाय करतार होता और कुछ होता तो भी गाड़ी चलनी थी, लेकिन मेरा असली अस्तित्व क्या है, मेरा रियल एग्जिस्टेंस क्या है, उस रियलिटी को रियलाइज करना है हमें, उस सत्य को अनुभूत करना है। तो चलो अपने आप में लौटो रोज की तरह, अपने केंद्र में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, भ्रिकुटी में आ जाओ, आत्मा की कुटिया में आ जाओ। कैसे समझो कि यहाँ ज्योत जल रही है, मेरे मस्तक में अखंड दिव्य ज्योति जल रही है। कहीं भी अखंड पाठ करते हैं तो वहां ज्योत जलाते हैं,
देवी का जागरण करते हैं, वहां ज्योत जगाते हैं, बोलते भी हैं ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो हमें अपनी ज्योत जलानी है, आत्म ज्योत, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देही हूं, सोल हूं, अपना कॉन्शियसनेस लेवल हमें बदलना है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आना है, मैं आत्मा हूं। मन में विजुलाइज करो, एक ज्योत के दर्शन करो, अखंड ज्योति, अखंड ज्योतिर्मय बिंदु, जिसके चारों तरफ लौ है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, इस भाव में बैठे बार बार अपने आप से पूछे, आई एम सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम स्पिरिट, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, आई एम डिवाइन लाइट एंड वाइट। आत्मा में कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आई एम ए लवफुल सोल, फुल ऑफ लव, मेरा सभी आत्माओं के प्रति, मनुष्य आत्माओं के प्रति, प्राणी जगत की आत्माओं के प्रति, वनस्पति जगत, जड़ जगत, सबके प्रति हृदय में प्रेम की भावना है, हमारे हृदय में प्रेम भरा हो, सर्व के लिए प्रेम, जैसे सूर्य की किरणें, कोई भेदभाव नहीं करती, ऐसे हमें भी बनना है, हमारा प्रेम भी सबके लिए एक जैसा हो, सूर्य की किरणों की तरह, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, विवेक की किरणें, मेरी कुटी में उपस्थित रही है, हमारी हाजिरी लग रही है, आई एम सोल प्रेजेंट इन दी कुटी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर दें, सारे शरीर में कहीं टेंशन ना हो, तनाव ना हो, माय ब्रेन इज टोटली रिलैक्स्ड, आंखों को भी ढीला छोड़ दें, चेहरे को भी रिलैक्स करें, चेहरे पे कोई टेंशन के चिन्ह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीरीन एंड रिलैक्स्ड, ऐसा समझें
परम पिता परमात्मा की अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष के पार से रोशनी हम सबके ऊपर पड़ रही है। सूर्य की तरह परमात्मा आदित्य वर्णम गीता में लिखा है, सूर्य जैसा उसकी लौ ज्योतिर्लिंगम शिव, उसकी किरणें बीम्स डिवाइन रेज हम सबकी आत्मा को चार्ज कर रही है, हम शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं, शांति की अनुभूति कर रहे हैं, एनर्जी की अनुभूति कर रहे हैं। शक्ति ही शक्ति है, पावर ही पावर है, एनर्जी ही एनर्जी है। मैं आत्मा ऊर्जा से भर रहा हूं, भरपूर हो रहा हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रहा हूं, महावीर बन रहा हूं। सबके सिर के ऊपर एनर्जी पिरामिड बना हुआ है जो हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है। गॉडली शील्ड है, हमेशा समझो मैं गॉडली शील्ड के भीतर हूं, परमेश्वर मेरा रक्षक है। I am having divine aura, मेरे शरीर के चारों ओर एक दिव्य ऑरा है, प्रभा मंडल है। मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, खुशी का अनुभव कर रहा हूं, शांति का अनुभव कर रहा हूं, शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। गॉडली रेस हम सबको डिविनाइज कर रही है, पवित्र बनते जा रहे। जो भी भीतर विकारों की ओट है वो निकलती जा रही है और हम शुद्ध कुंदन बनते जा रहे, आत्मा प्योरीफाई होती जा रही। इसी भाव दशा में हम रहेंगे। अभी यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश ओम शांति। ईश्वर अपने साथ डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है,
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिस याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। जिसके साथ वो सर्वशक्तिवान है, जिसने उसको साथी बना लिया है, जिसने उसको सारथी बना लिया है, जो दुनिया का साक्षी हो गया है दुनिया से, तो उसके जीवन में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। तो परमपिता परमात्मा को अपना साथी बना लो तो फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा, वो हमारा रक्षक बन जाएगा, हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमें भी शक्ति की अनुभूति होगी। कंबाइंड रूप में हम रहें, उसके साथ मिलके रहें, तो सब दूरियां भी दूर हो जाएंगी और हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे। तो आज हम जो है आगे बढ़ते हैं, जो जीवन के सूत्र हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ी मन की चर्चा करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी हमें करना है करेगा कौन? मन ने करना है, बुद्धि ने करना है। लेकिन मन के बारे में तो लोग कह देते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन जो है काबू में नहीं आता है, मन बड़ा पापी है, इससे भी बात करो। लेकिन हमारा साधन भी तो यही है। गीता में भी तो कहा है, मन मना भव, हे अर्जुन मन को मेरे में लगाओ। तो मन के द्वारा ही तो सारे काम करने। अगर हम उसको चंचल कहेंगे, पापी कहेंगे, तो क्या वो हमारा साथ देगा? हम तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। मन से हम लड़के कभी जीत नहीं सकते, ये याद रखो कि मन से कभी हम जीत नहीं सकते। लोग कहते मन है, दिल है कि मानता नहीं, या मन है कि मानता नहीं, कई बार इस तरह की बातें हैं।
मन और दिल को हम कई बार एक तरह ही यूज कर लेते हैं, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो लेकिन हम इसको काबू में कर सकते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि मन कई बार आपको एस्केपिज्म की तरफ ले जाता है। जब भी आपको किसी परिस्थिति का सामना करना होता है तो ये फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम होता है कि या तो आप वहां से भाग जाएंगे और या फिर आप जो है उसका सामना करेंगे। तो लोग कई बार मन को बड़ा चालबाज भी कह देते हैं। कारण क्या है, अगर मान लो आपने टीवी देखना हो, फिल्म देखनी हो, कोई वीडियो गेम खेलनी हो, तो मन के पास टाइम ही टाइम है। अभी आप उसको कहो चलो मेडिटेशन करते हैं, आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा और कई प्रकार की बातें आपका मन करने लगेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम बताने शुरू कर देगा, वहां से एस्केप करना शुरू कर देगा और बातें मन में लाना शुरू कर देगा। इसलिए लोग कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन सारे काम भी तो उसी से ही हो रहे हैं। आप अगर बिजनेस में सफलता पा रहे हैं तो किसके कारण, आप वहां मन एकाग्र कर लेते हैं, जहां आपको किसी चीज की वैल्यू है वहां मन आपका एकाग्र हो जाता है। अगर भगवान की वैल्यू हमारे जीवन में हो तो कई बार जो है मन में जब भगवान की वैल्यू तो मन भी एकाग्र वहां भी होने लगेगा। हमें प्राप्ति की पता हो कि परम पिता परमात्मा से हम आत्माओं को क्या प्राप्तियां होती हैं, वो तो पिता है, हम उसके वारिस हैं, वो हमें सुख शांति आनंद देने वाला है। हमें पता नहीं, हम सोचते हैं कि जो स्थूल चीज कोई दिखे, कि अगर भगवान को मान लो ये होता कि आप अगर 1 घंटा याद करोगे तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, तो हम फिर वहां पे भी अपना मन लगा लेते। तो हम उसका जो स्थूल एंगल देखते हैं हर चीज का, हम उसका सूक्ष्म एंगल नहीं देखते। तो इसलिए कई बार जो है लोग परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते, यूथ भी उधर नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा से जुड़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे जो है अष्ट शक्तियां मिलती हैं। तो हमें जो है इस मन को समझाना है, मन बहुत चालबाज नहीं है, इसलिए हमें मन को आप बड़े प्यार से अपना दोस्त बनाना है। उस दिन भी मैंने कहा था, शास्त्र गीता में भी कहा है, मन कहो आत्मा कहो अपना मित्र भी है अपना शत्रु भी है। मन के लिए भी ये लागू है कि आप इसको मित्र बना लो, इस जैसा मित्र भी कोई नहीं, इसको प्यार से लाड से छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे इसको अगर हम अपना दोस्त बना लें, मित्र बना लें, तो आपकी बात ये मानने लगता है। या प्रयोग करके देखिए, मन को बहुत लाड करो, प्यार करो, शाबाश दो, आज तक वही तो हमें लेके चल रहा है। लेकिन ये याद रखो कि अगर आप सोचो कि आप जबरदस्ती से वश में कर लोगे, आप मन का दमन नहीं कर सकते। जितना दबाओगे उतना ये विरोध करेगा, रेबिलियस है ये, दबाने से नहीं प्यार से काबू में आता। तो क्या करना है, मन को समझाना है। कहते हैं ना कि मन को वैसे जो बात कहो ना उससे उल्टा चलता है। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि ये यहाँ पे चादर टंगी हुई है, इसके पीछे नहीं देखना, सबको ये इंस्ट्रक्शन दे दूं, तो मन क्या करेगा, सोचेगा अरे इस पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर है, तो मैं इधर उधर होऊंगा तो लगभग सारे लोग कोई ना कोई बहाने से उसको देखने आएंगे। जिस चीज से रोका जाए वही करने लगता है कई बार। इसके ऊपर एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक बार कोई शिष्य गुरु जी के पास गया, कोई नवयुवक, कहता है गुरु जी मुझे ऐसा मंत्र दो कि मैं कुछ दिन के अंदर ही जो है सिद्ध पुरुष बन जाऊं, ऐसा पावरफुल मंत्र दो मुझे। उन्होंने मंत्र दे दिया, उन्होंने कहा ये लो ये मंत्र है, और इसको अगर आपने सारी रात जप लिया तो आपको सुबह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इतना पावरफुल मंत्र।
तो उसने वो मंत्र लेके कहा ठीक है गुरुजी धन्यवाद। कहते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन भी है कि जब आप मंत्र जाप करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। जब मंत्र जाप करो तो आपको मंकी का ध्यान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो वो लगा अपना जप करने, जब जप करे तो गुरुजी ने जो चीज से मना किया था वही बंदर उसके ध्यान में कभी भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा था कि बंदर नहीं आना चाहिए तो मन बार बार बंदर को खींच लाए, उसकी फोटोएं दिमाग में बनने लगी। अंत में वो इतना तंग हो गया, मंत्र कम जप पा रहा था, बंदर ज्यादा दिख रहा। तो मन का स्वभाव है, कई बार आप इसको विरोध करके डांट के फटकार के इसको मना नहीं सकते हो, बड़े प्यार से इससे काम ले सकते हो। तो मन को, वैसे भी जो मन को कौन सी चीजें पसंद आती हैं, जहां पे विजुअल्स होते हैं वो भी उसको बड़े अच्छे लगते हैं। विजुअल्स, चित्र हो, चित्र से समझ जाएगा। छोटे बच्चे को हम जब सिखाते हैं स्कूलों में बचपन में ए फॉर एप्पल, जब हम उसको सिखाते हैं आ अनार आ आम ई इमली, तो ये साथ में जब ए फॉर एप्पल करते हैं तो एप्पल भी वहां बना होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य एप्पल जो है बच्चे को वहां पे नहीं दिखाना है, हम उसको ए सिखाना चाहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो एक हमने साकार का आधार लिया, साकार क्या है एप्पल, और ए क्या है एक तरह से निराकार है। तो हम एप्पल के द्वारा उसको ए सिखाना चाहते हैं। बच्चे को वो जो विजुअल है, जो फोटो है, पिक्चर है, उसको देख के वो धीरे धीरे बाद में ए बी सी डी सब सीख जाता है। बड़ा होके उस ए बी सी डी को ही याद करता है, उसको ही यूज करता है जिंदगी में। और वहां पे ए फॉर एप्पल उस वक्त ध्यान में नहीं आता कि ये जब लिखता है तो उसको एप्पल ध्यान में आता, उन शब्दों का प्रयोग वो सीख जाता। तो मन को काबू करने के लिए हमें उसको विजुअल्स भी कई बार देने पड़ते हैं, तो क्योंकि वो चित्रों की भाषा बहुत आसानी से समझता है। वीडियो अगर हो, मेडिटेशन का विजुलाइजेशन हो उसमें, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आजकल मेडिटेशन है उसमें विजुलाइज करते हैं, और ये विजुलाइजेशन प्रोसेस बड़ी कीमती है, ये साधारण नहीं है। जैसे हम परम धाम का विजुलाइजेशन देते हैं, सूक्ष्म वतन का देते हैं, हम जो है सूक्ष्म शरीर का विजुलाइजेशन देते हैं। तो ऐसा आप वैसे भी जो सोचते हैं, मान लो आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, आप दिन में स्वप्न देखते हैं, रात को तो सारे देखते हैं तो फोटो ही दिखती है, दिन में भी कई जो बैठ के स्वप्न देखते हैं कि फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो वो सारा जो है विजुअल्स में ही होता है। तो हमें भी इसको मेंटल मूवी मेथड भी कहते हैं, मन को वश में करने के लिए, या चीजों को जब मेमोराइज करना होता था तो मेमोरी के लिए कई बार लोग क्या करते थे, साथ में चित्रों का प्रयोग कर लेते थे। उन चित्रों को एसोसिएटिव प्रोसेस से हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं और मन लगना शुरू हो जाता है, जैसे टीवी में लगता है मन, फिल्म में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह मूविंग है, विजुअल है, हर क्षण बदल रहा है। अगर हम मन को इसी तरह से कोई चीज सिखानी हो, लर्निंग करनी हो, लर्निंग प्रोसेस हो, तो स्कूलों में क्या आप यूज करते हैं, प्लेवे मेथड यूज करते हैं, हंसते हंसते खेलते खेलते हम सीख जाएं। तो एक बार की बात है कि एक बच्चा हैंडीकैप था, उसके घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो चल फिर नहीं सकता था। तो लेकिन उसको किसी ने अफर्मेशन दी, विजुअलाइजेशन दी, तुम ऐसा समझा करो लेटे लेटे कि मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूं, मेरे घुटने बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और मैं दौड़ रहा हूं। तो उस बच्चे की विजुअलाइजेशन पावर बड़ी अच्छी थी, वो रोज विजुअलाइज करता था अपने को। एक दिन क्या हुआ, उनके घर का कोई मेंबर घर पे नहीं थे उस वक्त, आसपास होंगे, तो उसके पास जो फोन था वो पड़ा हुआ था, जैसे वो पुराने फोन होते थे, तो वो थोड़ा दूर था और घंटी बजी, तो उसने इधर उधर देखा कोई आया नहीं, तो उसने सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना हो,
तो उसको ये भूल गया कि मेरे दोनों घुटने काम नहीं करते। तो एकदम उठ के जब दौड़ने लगा, चलने लगा उसकी तरफ, तो देखा उसने कि मेरे तो घुटने सीधे हो गए, और उसके बाद वो चलने लगा। तो धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये ट्रू स्टोरी है। तो ये है विजुअलाइजेशन की पावर। तो जिंदगी में जिन्होंने सफलता पानी है, जितना क्लियर आपका गोल का इमेज होगा, जैसे मुझे पता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिख के रखा हुआ था हर साल का अपना, कि इस साल में मैं ये बनूंगा, इस साल ये करूंगा, इस साल ये करूंगा, पूरा उन्होंने चित्र रखा हुआ था। आज से इतने साल बाद मैं इस कंपनी का सीईओ होऊंगा, और वो उसी साल वाकई सचमुच में उस कंपनी का सीईओ बना। तो हम लोगों को भी इन अफर्मेशंस को, पॉजिटिव अफर्मेशंस को, विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये जितनी पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, धीरे धीरे, पहले तो कॉन्शियस माइंड में होती हैं। हम लोग, कई लोग ये डाउटफुली स्टार्ट करते हैं विद स्केप्टिसिज्म, उनको संशय होता है कि क्या ऐसे हो सकता है कि सिर्फ सोचने से ही हो जाए, ये तो ख्याली पुलाव है। लेकिन इफ इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है, तो निश्चय जानिए वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट कर देगा कि जो थॉट आपने उसको दी है, वो थॉट वो प्रैक्टिकल में ला के छोड़ेगा। तो सफलता जीवन में पाने के लिए मन को विजुअलाइजेशन प्रोसेस दो, मन को विजुअल्स दो, और उसमें अपने आप को देखो। हम भी कईयों को देते हैं कि आप अपने को समझो कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, मेरी हाई सैलरी है। तो धीरे धीरे जो उसको ईमानदारी से करते हैं, कई लिखते भी हैं, क्योंकि लिखने से और भी सबकॉन्शियस में बड़े अच्छे से जाता है, तो करने से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, कोई ये वो नहीं है, क्योंकि हमारी थॉट से ही अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी बनती है। जिनके ये ख्वाब ही नहीं आता कि हमने ये काम करना है, ड्रीम ही नहीं करते, जो सोचते ही नहीं है, क्या उनके पास वो वस्तु आएगी? मान लो आज मेरे पास स्कूटर है और मैं कार के बारे में अपनी थिंकिंग में लाता ही नहीं कभी, तो क्या मेरे पास कभी कार आएगी? नेवर एवर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट। थॉट इज द सीड। जो थॉट्स हैं वही हमारे क्रियाओं में परिवर्तित होती हैं, और जितनी पावरफुल थॉट होंगी, अफर्मेटिव थॉट होंगी, थॉट्स विद कन्विक्शन होंगी, उतना हम उस चीज में सफल हो पाएंगे। इसलिए मन को कैसे काबू करना है, मन को दोस्त बना लो, उसको विपरीत बात मत करो, और कोई भी चीज है जो आपका ड्रीम है, उसका वीडियो अपने दिमाग में बनाओ। कई बार चित्र बना सकते हो, कई बार चलचित्र बना सकते हो, तो दोनों जो है वैसा आप अपने को अनुभव करो, तो फिर ये जो मन है इसमें असीम शक्ति है। जब ये यूनिवर्स के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, और भी इसमें शक्ति आ जाती, तो फिर आप ऊंचे से ऊंची मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मेंटल मूवी मेथड के द्वारा उस बच्चे के जो घुटने थे वो ठीक हो गए। जर्मन की एक लेडी माउंट आबू में आई थी एक बार, उसकी खबर सारी अखबारों में, पंजाब केसरी, दूसरी अखबारें, उसमें आई थी उस वक्त कि वो जब इंडिया आई थी तो उसको कैंसर था। तो उसने यहाँ आके कई जगह पूछा, तो किसी ने कहा कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वहाँ पे भी राजयोग सिखाते हैं। तो वो माउंट आबू आई, जर्मनी की लेडी थी, तो वहाँ आके जो मेडिटेशन उसने सीखा, तो राजयोग में तो पॉजिटिव अफर्मेशन ही हैं, तो उसको अंदर, क्योंकि जिसको कैंसर हो तो उसको तो और भी थोड़ा
जो कुछ करेगा वो स्ट्रांगली करेगा, तो उसकी थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगी, विद कन्विक्शन होगी। उसने मेडिटेशन सीखा और धीरे धीरे उसने वो अभ्यास किया राजयोग, खूब अच्छे से किया, और अल्टीमेटली उसने अपना कैंसर कंट्रोल कर लिया। और बड़ी अखबारों के अंदर वो न्यूज छपी कि राजयोग कैन क्योर द कैंसर। तो ऐसे वो वास्तव में राजयोग क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने अपने स्वरूप के प्रति कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं सुप्रीम सोल की संतान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, आई एम फुल ऑफ लाइट एंड माइट एंड डिलाइट। तो जब हमारे अंदर ये पॉजिटिव अफर्मेशन होती है तो सब कॉन्शियस माइंड में जब वो एंटर हो जाती हैं, उसके लिए काफी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों कहते हैं हर जगह प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज वो ऑटो मोड में चले जाएगी अगर इफ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, तो इट विल गो इनटू ऑटो मोड। आपको करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। इसलिए खूब प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की। ज्यादा से ज्यादा समय हम बैठे बैठ नहीं सकते, चलते फिरते करें, चलते फिरते नहीं कर सकते तो आज बाबा ने मुरली में कहा लेट के करो। आपका वो पोस्चर इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको सुख मिलता है, सुखद है। अगर आपकी टांगे खिंची हुई हैं, आपको कहीं पद्मासन बैठे हो, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है और आप नहीं बैठ सकते, इसका मतलब तो आप मेडिटेशन ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सुखासन में बैठो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, पॉजिटिव अफर्मेशंस रखो, तो जिंदगी में हमें कामयाबी मिलेगी, ये गारंटी है। फिर है जीवन में सफल होने के लिए कि वी शुड बी ए लर्नर टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक हम सीखते रहें। जो सीखते रहते हैं अंतिम श्वास तक, तो कहते हैं दे रिमेन एवर यूथफुल। अगर आपको सदा जवान रहना है, युवा रहना है, तो आप सीखते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। और अगर आपने सीखना बंद कर दिया एंड क्लोज योर माइंड ब्रेन टू न्यू थिंग्स, तो आप बूढ़े हो जाएंगे बहुत जल्दी। बूढ़े और जवान में क्या अंतर होता है? बूढ़े के पास पास्ट होता है। बूढ़े के पास क्या होता है? आप उसके पास जाके बैठिए, वो पास्ट की बातें सुनाएगा, ये होता था, वो होता था, पूरी टेप चलेगी उसकी, और सबको वो टेप सुनाता है, वो इतनी बार रिपीट कर चुका है, वो टेप बन गई। और युवा के पास भविष्य के सपने होते, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर कोई युवा है और पास्ट की बातें करने लगा है या मोनोटनस में हो गया, मोनोटनी आ गई उसके लाइफ में, बोर्डम आनी शुरू हो गई है, अगर बोर फील करता है खुद को, तो बूढ़ा हो चुका। शरीर से बूढ़े नहीं होते, मन से बूढ़े होते। अगर मन जवान है तो शरीर भी जवान होने लगता। तो इसलिए बी ए लर्नर टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक हम कैसे रहें? लर्नर, सीखते रहें। गुरु नानक देव जी ने तो अपने चेलों को क्या नाम दिया था, अपने जो मानने वाले शिष्य। सिख का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिख? सिख मीन्स सीखने वाला, निरंतर लर्नर। गुरु नानक देव जी ने ये कहा तुम मेरे शिष्य हो, सारी जिंदगी सीखते रहो। जो सीखता रहता है वो जीतता भी रहता है, जो सीखता नहीं है वो हारता है, और जो जीतता नहीं है वो भी सीखता है, उस हार से भी सीखता है। तो इसलिए हमेशा सीखते रहें। हर एक क्षेत्र में रोज कुछ नए आविष्कार होते हैं, हम जानते हैं, इन्वेंशंस होती रहती हैं। अब देखो चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया, नहीं तो जापान की टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी।
तो वहां पे निरंतर न्यू थिंकिंग हो रही है. सब कहां से निकला? आज आपने मोबाइल जो है कहां से निकला? ये सब माइंड से ही तो निकला. दिस वर्ल्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द माइंड. ये सारा संसार मन की एक्सटेंशन है. तो इसलिए नया सीखते रहो, रोज नई इन्वेंशन होती है. स्वयं को अपडेटेड रखो जिस भी फील्ड में, उसके जनरल नॉलेज के भी, ईश्वरीय नॉलेज के भी. ये नहीं कि एक पक्ष छोड़ दो. दुनियावी बातों की तो ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है. ज्यादा ज्यादा वन टाइम यू कैन सी द न्यूज, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. नेगेटिव इनपुट जाएगी तो नेगेटिव, फिर आप डिप्रेशन और दुनिया भर की बातें, डर का माहौल, जो होना होगा हो जाएगा. तो हम अपने आप को अपडेट करने में, लर्न करने में बिजी रखें. और जो जो भी किसी फील्ड के फ्रंटियर लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, जो उन लोगों से जो टॉप पे हैं, उनसे हमारा अगर मिलन हो, उनसे बात हो, या उनकी जो रिसर्च आउटपुट है उसको हम देखें, किसी ने कोई नई थ्योरी दी उसको हम देखें, तो हम सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें. जो सीखते रहते हैं वो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, ये मान के चलो. न्यू के प्रति, नए के प्रति अपने मन को हमेशा खुला रखें. डोंट क्लोज योर माइंड. अपने ये नहीं, मैंने तो बस जो सीखना था सीख लिया. लेकिन हमें अपडेट रखना चाहिए, सीखना चाहिए. और अब तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको तो अब अपने मन को साधना है, और हमें अपने आप को परमपिता परमात्मा की तरफ लगाना है. वहां ध्यान फोकस करना है अपना. वहां पे रिसर्च देखनी है कि ध्यान की क्या रिसर्च. तो हम रिफ्रेश रहेंगे, हमेशा रिफ्रेश. कभी भी हम बोरिंग नहीं होगा हमारे लिए लाइफ, मूड ऑफ नहीं होगा. तो इसलिए पहले भी हमने कहा कि इस संसार से हम डिटैच होके भी चलें. डिटैच होके चलना है, अनबायस्ड होके चलना है, पक्षपात रहित होके करना है, चलना है, द्वंद्वों से अतीत होके चलना है. ये कभी ना भूलें कि आपका, हम सबका, हम रोज एक दिन मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ये शरीर नाशवान है. तो गीता ने हमें सिखाया अनासक्त कर्म योग, कि हमें अनासक्त कर्म योग करना है, डिटैच होके केवल कर्म नहीं करना है, कर्म में योग ऐड करना है. अर्जुन को इसीलिए कहा था कि योग में स्थित होके कर्म करो, असंग होके कर्म करो, फिर सिद्धि असिद्धि में समान होके काम करो, द्वंद्वातीत होके काम करो, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि में. जब तुम्हारी मन की स्थिति एक जैसी हो जाए तो समझो योग की सिद्धि प्राप्त हो गई है. तो शिव बाबा भी हमें रोज कहते हैं, बच्चे रहना संसार में है, भागना नहीं है, जागना है. हमें संसार से भागना नहीं है, लेकिन क्या करना है, हमें जागना है. और कैसे रहना है? कमल फूल की तरह, लोटस लाइक लाइफ. आवर लाइफ शुड बी लोटस लाइक, कमल के फूल की तरह हमारी जिंदगी हो, खुशबू निकले उसमें से. हमारा जैसे देवताओं के हर चीज की तुलना कमल से करते हैं, और लक्ष्मी जी को तो कमल पे ही दिखाते हैं, कमल ही उनका सिंहासन है एक तरह से. तो कमल क्यों दिखाया है? ब्रह्मा जी की कमल से उत्पत्ति क्यों दिखाई? कमल का मतलब है संसार में रहते हुए भी संसार के कीचड़ में हम ना फंसे, न्यारे प्यारे होके रहें. बाबा का शब्द है, कमल पुष्प की तरह न्यारे और प्यारे रहो. जैसे वो न्यारा रहता है, जो न्यारा है वो सबका प्यारा है. और जब हम सबका प्यारा होने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम सबको खुश नहीं कर पाते. तो किसी ने कहा भी है कि यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम.
आप सबको सदा खुश नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस संसार में डिटैच होकर रहना चाहिए तो सफलता अधिक मिलती है। हम मोह ना हो लेकिन प्रेम सबसे करें। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल थोड़ा सा बचा है, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो है मुरली को शेयर करेंगे। आज के जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो हम सुनेंगे, बाबा ने क्या कहा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, श्री बाबा कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, निरंतर योग में रहते हैं, मेडिटेटिव एक्सेलेंस में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं, कभी अकेला नहीं समझते, वो कभी अकेले नहीं होते। कई लोग तो अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन योगी एकांत में एकाग्र होके एक रस स्थिति का अनुभव करता है। तो बाबा कहते हैं जो साथ का अनुभव करते हैं उनके सामने कोई भी समस्या आएगी वो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, कभी घबराएंगे नहीं। कह रहे मेरे साथ तो भगवान। आज हमने गीत भी क्या गाया था, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, क्यों हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है। वो कभी घबराएंगे नहीं, कंबाइंड रूप में रहेंगे। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ परमपिता परमात्मा के ऊपर देके खुद हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ, लाइट मैंने प्रकाश रूप हो जाओ, लाइट मैंने हल्के हो जाओ, बोझिल ना रहो, निर्बोझ हो जाओ। जैसे घर में माँ बाप बैठे हैं तो बच्चे निश्चिंत होते हैं कि वो संभाल लेंगे, इसी तरह हमारा तो पिता बैठा है शिव बाबा, वो सब कुछ संभाल लेगा, उससे जुड़ तो जाए। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में ऐसी आत्माएं फिर डांस करती रहती हैं। हम चेक करें, हम डांस करते हैं कभी दिल से आत्मा से, जैसे गोपियां नृत्य करती थी, क्या हम भी मन से कभी परमात्मा के लिए डांस निकलता है? तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कितनी खुशी में हम रहते हैं। योग और ज्ञान दोनों बल हैं, योग बल ज्ञान बल, इस इन दोनों को पुरुषार्थ से माइट मिलती है, शक्ति मिलती है और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। तो इसलिए नॉलेज, एक तो गॉडली नॉलेज है, एक सहज राजयोग, ये अगर हम अपने जीवन में अच्छी तरह से अपना लेंगे तो हमें शक्तिशाली स्थिति का ये बल है, हम बलवान बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा का परिचय परमात्मा द्वारा ही मिलता है। कहते हैं सोई जाने जिस देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई, सोई जाने जिस देह जनाई, वो अपना परिचय स्वयं देता है। उस यथार्थ परिचय के अनुसार योग लगाने से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। योग से ही जो हमारे पास्ट कर्म है, विकर्म उल्टे कर्म जो हमने किए, पाप कर्म किए, उसका बोझ जो है आत्मा से समाप्त होता है। और ज्ञान से ये समझ मिलती है कि हमें कौन से कर्म करने हैं,
कर्म की फिलॉसफी का हमें पता लगता है, कर्म दर्शन का हमें पता लगता है। परमपिता परमात्मा हमें कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। इसकी चर्चा हमने कर्म का जो लिया था चैप्टर, एक हमने लेक्चर जो लिया था उसमें पूरी विस्तृत व्याख्या की थी कर्म की, किसी वक्त पुनः उसको रिपीट कर लेंगे, जिससे जीवन की जो जड़ है, जीवन की जड़ क्या है, वो है संस्कार। जैसे संस्कार हैं हमारे, वैसा संसार है हमारा। तो हमें अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना है तो संसार भी शुद्ध हो जाए, तो इससे हमारे संस्कार भी शुद्ध हो जाते हैं। सवेरे सवेरे वो कौन, ये कौन आकर हमें मुरली सुनाते हैं, मुरली कौन बजाता है, ये कौन आया, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, आंख से नहीं देख सकते लेकिन दिल पहचानता है, ये कौन है ये जो सुबह सुबह में मुरली सुनाने आता है। ये है स्वयं ज्ञान सागर, पतित पावन प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा के हमें रोज सुबह सुबह मुरली की तान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। वो हमारा प्राणेश्वर है, प्राण की रक्षा करने वाला है, वो दुखों से हमें बचाने वाला है, पापों से मुक्त करने वाला लिबरेटर है। बाबा कहते मैं जो तुम्हें सुना रहा हूँ ज्ञान, ये सत्य नारायण की कथा है सच्ची सच्ची, इसको सुनने से तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। यही है सच्ची सच्ची अमर कथा, जो कहते हैं कि शंकर जी जब पार्वती को सुना रहे थे तो वो सो गई थी, और कोई कहता है कि कबूतर, कोई कहते हैं कि तोता वहां सुन रहा था शुक, तो फिर वो जो है और लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें नहीं जाते हम। तो अमर कथा अमर आत्मा की कथा है, अमर परमात्मा की कथा है, अमरनाथ की कथा है। हम जब ये सुन लेते हैं तो हमारे अंदर अमृत बोध होता है, अमर आत्मा का बोध होने से हम कालजयी बन जाते हैं, कालातीत बन जाते हैं, काल से ऊपर चले जाते हैं हम। सतयुग में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, माँ बाप के बैठे किसी की संतान नहीं जाती वहां पे, ये बहुत बड़े पाप कर्मों की बात होती है। वहां स्त्री विधवा नहीं होती है, क्योंकि जब हम काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, महाकाल से जुड़ जाते हैं शिव से, तो बहुत फिर जीवन में आनंद हो जाता है, हर चीज मर्यादा में आने लगती है। जब हमारा जीवन मर्यादित होता है तो हमें कोई दुख दे नहीं सकता। यहाँ तो अचानक किसी की भी मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बड़ा दुखदायी होता है ये सब, क्योंकि ये है ही दुख की दुनिया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार, जो उस परमात्मा को याद करता है वही सुखी है। मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या कर कर रही हो अग। हर घर में यही आग है, सब हर घर में दुख, दुख ही दुख है। इसलिए इन दुखों से मुक्त कैसे होंगे, ये दुख क्यों आए, क्योंकि दुख पाप का फल है, हमारे रॉन्ग डूइंग्स का फल है। तो हमें इससे ऊपर उठना है, अपनी रॉन्ग डूइंग से बचना है, और राइट डूइंग तभी आएगी जब हमारे पास नॉलेज होगी। आज के मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कहते हैं ना किसी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती है, आज आप देखो सारे देशों की ही बुद्धि उल्टी चल रही है, अपने ही विनाश की तैयारी में इंसान लग गया है, बड़े बड़े एटम बम बना रहा है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, वेपन्स ऑफ वार, बायोलॉजिकल जर्म बीम्स, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, कितना मतलब विचित्र है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। हम बम्बों के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तो सारी दुनिया का विनाश कभी होता नहीं, बाबा ने कहा। संपूर्ण प्रलय कभी नहीं आती है, क्योंकि ये सृष्टि प्रवाह से अनादि है, अनंत है, ये सृष्टि पूर्ण रूपेण कभी खत्म नहीं होती है। तो प्रवाह से अनादि है ये सृष्टि। इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, जब जब से इसकी स्थापना हुई लोगों ने बहुत विघ्न डाले, लोग कहा करते थे कि यहां मत जाना,
पवित्रता से लोग बहुत डरते थे, ब्रह्मचर्य से बहुत डरते थे। लोग कह देते थे यहाँ तो पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं। बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। इस वक्त हम सबको अपने घर जाने की तैयारी करनी है। तुमको ना आत्मा का पता था ना अपने घर का पता था। माया ने तुम्हारे पंख काट डाले हैं इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। जैसे जटायु के पंख रावण ने काट दिए थे, ऐसे हमारे भी विषय विकार जो है इन्होंने हमारे उड़ने के पंख काट डाले। ये भी रावण ने समझो पंख काट डाले हैं। तो अभी ज्ञान और योग के पंख बाबा दे रहे हैं हमें, ज्ञान का पंख योग का पंख। बच्चे उड़ो, अभी हम सतो प्रधान बन के फिर उड़ान भर रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, अपने पंख फिर फैला रहे हैं। हमें अपने घर लौटना है। ये लास्ट स्लाइड है। शिव बाबा आकर हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी तो हम सिर्फ कार्ड में लिखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है कि हमारे पूज्य पिताजी माताजी स्वर्ग सिधार गए, तो बाबा कहते हैं फिर तो बहुत खुशी होनी चाहिए, नर्क को छोड़ के स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्गवासी शब्द का प्रयोग हम सिर्फ वैसे ही कर देते हैं, लेकिन जब किसी को कहें कि सच में स्वर्गवासी होना है तो घबराते हैं, स्वर्गवासी शब्द से भी डरते हैं। क्योंकि तो दुनिया अब नर्क बन गई, स्वर्ग में तो सब सुखी हो गए, अभी तो कहते हैं स्वर्ग सिधारे। तो अभी हम तमोगुणी से सतोगुणी बनेंगे, बाबा बनाएंगे हमें, बना रहे कांटे से फूल बना रहे। पहले हम चुभने वाले थे कांटे की तरह सबको, अब फूल बन जाएंगे तो किसी को चुभेंगे नहीं। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा का एक नाम पारसनाथ भी है, पारसनाथ का मंदिर भी है, शिव का मंदिर। सर्व आत्माओं का रूहानी सर्जन परम पिता परमात्मा ही है, वही आत्माओं की सर्जरी करते हैं और हमारे अंदर जो विषय विकारों की गांठें हैं उनको निकाल देते हैं। ट्यूमर्स जो हुए हैं सोल के अंदर, जो ट्यूमर्स हैं उनको निकाल देते हैं। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि विकारों का जो बुखार चढ़ा हुआ है हमें, ज्वर है जो विकारों का, वो उतर जाए तथा आत्मा निर्विकारी बन जाए। निर्विकारी बनकर स्वीट साइलेंस होम, हमारा जो घर है वो है स्वीट साइलेंस होम। केवल साइलेंस, डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, उस घर में हमें लौटना है। आज का स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और बनने वाले ही संतुष्ट मणि आत्माएं हैं। तो हमें कोई कारण नहीं बताना है कि किस कारण मैं असंतुष्ट हूं। बाबा कहता है कारण का करो निवारण। कोई भी जो कॉज है किसी चीज का, उसका निवारण करो, समाधान करो, और खुद को भी संतुष्ट रखो, दूसरों को भी संतुष्ट रखो। जो ये काम करते हैं वो संतुष्ट मणियां हैं, और हम सबको अब क्या बनना है, संतुष्ट मणि बननी है, बनना है। तो इसमें अभी समय ज्यादा हो गया क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे फिर दूसरा सेशन भी एक होता है, तो बीच में थोड़ी ब्रेक भी लेनी होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, अभी नाम नहीं लूंगा किसी का। हम सब मिलकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए, एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन अब रखेंगे ताकि किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो उसका समाधान हो सके और हम अपनी यात्रा पर आगे निकल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम सब मिलकर दोनों हाथ जोड़ लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहो, मौज में रहो, खुशियां बांटते रहो और 24 घंटे उस प्रभु की याद में रहो। ओम शांति।